हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली दो ब्यूटीफुल सेल्फ इजी बन हेयर स्टाइल जो कि एवरीडे के लिए बहुत बेस्ट रहेंगे। गर्मियां चल रही हैं तो गर्मी में आप ये दोनों हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और अमेजिंग मेकअप टिप्स, मेकअप हैक्स एंड हेयर स्टाइल हैक्स आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलते रहते। रात को 9 से 11 बजे के बीच में लाइव आती हूँ। सुपर चैट भी ऑन है तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो और सुपर चैट के थ्रू मुझे गिफ्ट भी सेंड कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है ये दोनों हेयर स्टाइल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे हैं, तो जिनको भी छोटे बाल हैं एंड वो हेयर स्टाइल बनाना चाहता है नहीं बन पाता तो ये वीडियो उनके लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी 2, जिसमें सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज आपको मिल जाती हैं। तो प्रीत तिवारी 2 चैनल पर भी जरूर जाइए और सिलाई में जो भी दिक्कतें आती हैं वो मुझसे आप लाइव में पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हो। सबसे पहले इस वाले पहले हेयर स्टाइल के लिए मैं बालों को अच्छे से ऊपर की तरफ से कॉम कर रही हूँ। आप चाहो तो पार्टीशन भी ले सकते हो साइड या बीच की। तो इस तरीके से सारे बालों को कॉम करेंगे। अच्छे से कॉम कर लेंगे। ओके, कॉम करके एक रबर बैंड लेंगे। ओके, अब रबर बैंड को लगाएंगे इस तरीके से 1 2 एंड इस तरीके से आपको लगाना है और सारे बालों को एक साइड में कर देना है। ओके, अब इस तरीके से करने के बाद से थोड़ा सा इसको खींचेंगे और इसके बाद अब हम लोग लेंगे क्लचर। क्लचर को इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और स्कैल्प के हेयर के साथ क्लचर को लगा देंगे। क्लचर लगाने के बाद से ऊपर के हेयर को इस तरीके से फैला लेंगे। ओके, अच्छे से फैला लेंगे ताकि क्लचर हमारा अच्छे से हाइड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम एक यू पिन ताकि जो हमारा हेयर स्टाइल का लुक है वो अच्छे से दिखाई दे। छोटे वालों में भी हेयर स्टाइल बना सकते हो, बड़े वालों में तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगा, काफ़ी प्यारा लगेगा। अब बचे हुए बालों को एक सिंगल पार्ट, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और यहाँ पे यू पिन से या बॉबी क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। लंबे टाइम के लिए आपको हेयर स्टाइल रखना है तो आप बॉबी क्लिप का यूज कीजिएगा। और फिर से लेंगे एक और सेक्शन, फिर से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स ले रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स लोगे और यू पिन ज़्यादा लग जाएंगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है वो खुलेगा नहीं। बाकी जो इस साइड में हेयर है इसको भी ऊपर की तरफ से लेके आएंगे ताकि जहाँ पे हमने यूपिन्स लगाई हैं वो अच्छे से हाइड हो जाए। और फिर अगेन एक यूपिन लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा यूपिन जो है वो दिखाई ना दे। तो इस तरीके से ये हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बन के रेडी हो गया है जो कि काफ़ी ईजी है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। घर में रहना है, एवरीडे है, गर्मियां चल रही हैं, मार्केट जाना है तो ये हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो। दोनों साइड से छोटे छोटे से लेयर्स निकाल सकते हो जिससे आपके फेस को एक अच्छा सा फ्रेम मिले। तो कैसा लग रहा है ये हेयर स्टाइल, आई होप कि पसंद आया हो। तो ये हेयर स्टाइल अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आप लोग के एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए हमको चाहिए इस टाइप के 4 रबर बैंड। तो चलिए कैसे बनाना है वो बताते हैं। पहले आपको लेना है ईयर से इस तरीके से हेयर को, हाफ ईयर आपको नीचे की तरफ छोड़ देने हैं और ऊपर के हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप खूबसूरत सा बन हेयर स्टाइल खुद से बना सकते हो। इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके आप पार्टी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। अब नीचे की हेयर को हम लोग लाएंगे आगे की तरफ ताकि हमको रबड़ लगाने में दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे हम लोग
रबड़ लगा लेंगे। इस वाले हेयर को ऊपर की तरफ सिक्योर कर देंगे। मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीके से हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मैं जितना इजी हो पाए, जितना कम से कम हेयर स्टाइल पिन वगैरह यूज करें, वैसा लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। अब अच्छे से कॉम करेंगे दोनों साइड से, और जो हमने पहला रबर बैंड लगाया है जस्ट उसके नीचे ही दूसरा वाला भी लगाएंगे। ज्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए दोनों रबर बैंड के बीच में, दोनों कोनी के बीच में। ओके, तो इतना गैपिंग है हम दोनों कोनियों के बीच में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले कोनी को दोबारा से क्लचर से सेट कर देंगे, ताकि नीचे वाली हेयर स्टाइल को बनाने में दिक्कत ना आए। अब आपको करना क्या है, आपको इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करनी है और सिंपल चोटी बनाना है। बहुत टाइट नहीं गूंथना है, बहुत टाइट गूंथोगे तो आपकी जो चोटी का वॉल्यूम है वो बहुत कम दिखाई देगा, जिससे आपका जो बन है वो छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा लूज ही गूंथना है, टाइट नहीं करना है। ओके, तो एंड तक इसको गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद यहाँ पे हम लोग एक रबर बैंड लगा देंगे। ओके, अब ऊपर वाले पार्ट को खोलेंगे और इसको भी एक चोटी बना लेंगे। इसको भी हम लोग लूज ही गूंथेंगे, टाइट नहीं करना है। और यहाँ पे भी हम लोग एक रबर बैंड लगा देंगे। अब नीचे ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ सिक्योर कर देंगे और इसको बनाएंगे हम लोग एक बन। बन के लिए बेबी हेयर्स को ऊपर की साइड ले लेंगे और इस तरीके से सारे बेबी हेयर्स को बन के अंदर इंसर्ट करते हुए इस तरीके से एक छोटा सा बन बनेगा हमारा। इस तरीके से एक साइड से एक यूपिन लगाएंगे और एक यूपिन हम लोग दूसरी साइड से लगाएंगे। ओके, तो ये छोटा सा बन आपका बन के रेडी हो गया है। अब बारी आती है ऊपर वाले चोटी को खोलने की। खोलने के बाद इसको भी थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे। अब इस साइड से इस तरीके से लेके जाएंगे। पहला यूपिन हम लोग लगाएंगे पहले रबर बैंड के ऊपर, दूसरा यूपिन लगाएंगे हम लोग जहां पे हमने दूसरा रबर बैंड छिपाया है वहां पे। हम लोग इसमें चार यूपिन लगाएंगे और एक हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और एक हम लोग छोटी को इस तरीके से खींच के नीचे की तरफ लगा देंगे। तो ये वाला बन देखिए काफी प्यारा लग रहा है और बहुत ही इजी तरीके से आप बना लोगे। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, साड़ी पे बेस्ट रहेगा। एंड और यहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि रबर बैंड दिखाई दे रहा है, वहां पे आप कोनी के हेयर को थोड़ा सा खींच के रबर बैंड को अच्छे से हाइड कर दीजिएगा।
तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। तो आपको दोनों में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। क्राउन एरिया के हेयर को इस तरीके से खींच लेंगे ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे क्राउन एरिया पे। हमारे साइड से लेयर निकाल लेंगे, नहीं निकालना तो आपकी ऑप्शनल है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। कमेंट कीजिए आपको कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगा और आप किस टाइप का हेयर स्टाइल आगे देखना चाहते हो वो भी कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।